प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पलाशपुर गांव में राजेश नाम का एक दर्जी रहता था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। वो सुबह नहा धोकर सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाता। वहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करता। वो हर समय भोलेनाथ का नाम लिए जाता था। उसका एक छोटा दर्जी का दुकान था। वहाँ पर भी वो दर्जी का काम करते हुए भगवान शंकर के नाम का भजन किया करता था। वो पूरे दिन सिलाई बुनाई का काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था। राजेश के पास वाले मकान में एक व्यक्ति आरिफ अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया था। आरिफ पूरे दिन राजेश के भक्ति गीत और उसकी सिलाई मशीन की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता था। तो उसने राजेश को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। जैसे ही एक दिन राजेश कुछ काम के लिए शहर से बाहर जाता है, तब आरिफ उसी समय का फायदा उठाते हुए राजेश की दुकान के अंदर से उसकी सिलाई मशीन को चुरा लेता है। कुछ दिनों बाद जब राजेश अपने घर वापस आता है, शाम को जब दुकान खोलने के लिए वो अपनी दुकान पर आया तो देखा उसकी दुकान पर सिलाई मशीन नहीं है। अपनी सिलाई मशीन को दुकान पर ना पाकर वो परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद वो दुखी होकर दुकान के कोने में बैठ जाता है और प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर से कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं गरीब दर्जी वाला दर्जी का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट चलाता हूँ, और अगर मेरे पास मशीन ही नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूँगा? मैं तो आपकी भक्ति पूरे सच्चे मन से करता हूँ, फिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा? मैं तो काम करते हुए सिर्फ आपका ही नाम लेता रहता हूँ, फिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अच्छा, अब समझ आया मुझे, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। जीवन की परीक्षा में मैं नहीं हारूंगा और अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आपकी पूजा करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुख के सागर में ही क्यों ना डूबना पड़े। ऐसा कहकर राजेश रोने लगता है और भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को और जागरूक करता है। और इधर आरिफ मशीन चोरी करने के बाद उस मशीन को अपने घर के कोने में छुपा कर रख देता है और बाहर राजेश की दुकान के पास आकर खड़ा होता है और कहने लगता है, राजेश भाईजान, क्या हो गया? आज आपने अपना काम शुरू नहीं किया, और हाँ, आपने तो आज अपने भजन का अनुष्ठान भी शुरू नहीं किया, तो कब कर रहे हो? मैं दर्शक बनकर यहाँ पर कब से खड़ा हूँ और आप हो कि भजन शुरू ही नहीं कर रहे हो? आरिफ मन ही मन मुस्कुराने लगा। राजेश की हालत पता होने के बावजूद वो उसका मजाक उड़ाता रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब आरिफ सुबह नींद से उठा तो उसने देखा उसके हाथ में एक छोटा दाना निकला हुआ था जो बहुत दर्द कर रहा था, पर उसने नजरअंदाज करते हुए रोज की तरह अपने काम में लग गया। दिन प्रतिदिन उसके हाथ में एक एक करके छोटे छोटे दाने निकलते गए, और जब दाना दोनों हाथों में भर गया तो वो दर्द के मारे और रह नहीं पाया और तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास पहुंचकर आरिफ कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरे हाथ में क्या हो रहा है। अरे, ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? पता नहीं डॉक्टर, एक दिन सुबह उठा तो हाथ में एक छोटा सा दाना हुआ था और उसी दाने से पूरे हाथ में छाले पड़ गए। डॉक्टर ने आरिफ के हाथ को चेक किया और चेक करने के बाद कुछ दवाई दी। दवाई लेकर वो अपने घर चला गया और वो रोज अपने दोनों हाथों पर दवाई लगाता। कुछ दिन लगाने के बाद भी उसके हाथ के छाले कम नहीं हुए और वो और भयानक रूप लेता जा रहा था। अपने हाथ के छाले बढ़ते देखकर वो फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे हाथ के छाले तो कम ही नहीं हुए, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए जिससे मेरे हाथ के छाले ठीक हो जाएं। डॉक्टर हाथ की छाले देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छाले कम क्यों नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर आरिफ से पूछते हैं, आरिफ, ये छाले तो मेरी दवाई से कम हो जाने चाहिए थे, पर फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे? जी, पूछिए डॉक्टर। आरिफ, क्या तुमने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया था जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें ये सजा दे रहे हैं? मुझे सच सच बताना, कुछ छुपाना मत।
डॉक्टर के ऐसा पूछने पर आरिफ को राजेश की मशीन चुराई हुई बात याद आ रही थी। वो पहले तो बताना नहीं चाह रहा था, पर डॉक्टर के बार बार पूछने पर उसने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया। डॉक्टर को सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ गया। उसने आरिफ को समझाते हुए कहा, देखो आरिफ, बीमारी तो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो सकती है, पर कर्मों के फल स्वरूप अगर तुम्हें ऐसी बीमारी हुई है तो फिर ये किसी भी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की बात सुनकर आरिफ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। घर जाकर आरिफ चुपचाप बैठ जाता है और उसने सोचा, क्या सच में मुझे मशीन चोरी करने की अल्लाह ने ये सजा दी है? अब क्या करूं? पर अब मशीन वापस करूं तो भी कैसे कैसे रखूं उसकी दुकान पर मैं मशीन? एक काम करता हूं, जब वो शाम को अपने घर खाना खाने जाएगा तब चुपके से उसकी दुकान के सामने रख दूंगा। ऐसा सोचकर आरिफ उसकी दुकान पर नजर रखता है और जैसे राजेश खाना खाने के लिए घर जाता है तो उस वक्त मशीन को अपने घर से उठाकर राजेश की दुकान पर रख देता है। खाना खाने के बाद राजेश अपनी दुकान पर वापस आता है। दुकान पर आते ही उसने जब मशीन को अपनी दुकान के सामने देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे पता था भोलेनाथ कि आपकी कृपा से मुझे मेरे सिलाई की मशीन जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की, जय हो महादेव की। ऐसा कहकर राजेश अपनी सिलाई मशीन को दुकान के अंदर ले जाता है और फिर भोलेनाथ का भजन करते हुए वो दोबारा अपना काम शुरू कर देता है। वो काम कर ही रहा था कि इतने में उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। और थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजेश, तुम्हारी भक्ति श्रद्धा को देख आज तुमने मेरे हृदय में सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण कर लिया। तुमने हर कठिन समय पर भी मेरी भक्ति और भजन करना कभी नहीं छोड़ा और तुम मेरे प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन और बढ़ाते गए। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। अगर मेरे भक्तों के साथ कोई गलत करेगा तो उसकी सजा उनको भोगनी ही पड़ेगी। राजेश, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वर देना चाहता हूँ। मांगो वत्स। यूं तो आपकी कृपा से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी अगर देना हो तो मुझे अपनी छत्र छाया से कभी भी दूर ना करें। यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद से रघु ने सच्चे मन से भगवान शंकर की रोज पूजा आराधना करनी शुरू कर दी और अपने मशीन के पास शिवजी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। उस दिन के बाद से राजेश की दर्जी की दुकान जोरों शोरों से चलने लगी। वहां के सभी लोग राजेश से ही अपना कपड़े सिलवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे इस धरती पर वैसा ही फल मिलेगा। हम अपने कर्मों के फल को भोगे बिना कहीं नहीं जा सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।